हेलो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्प्राउटेड बीन्स की रेसिपी, जो सलाद है। तो रेसिपी बहुत इजी है, चलिए शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये मोठ है, कच्चा मोठ है, जैसे मूंग आता है ना वैसे ही मोठ आता है। तो ये मोठ्स की रेसिपी है। मोठ आपको कहीं भी बाज़ार में मिल जाएगा। इसे हम पानी में भिगो देंगे और सेम प्रोसेस में जैसे हम अंकुरित करते हैं, भिजा करके छोड़ देंगे 8-10 घंटा के लिए। फिर पानी छान लीजिए और ढक दीजिए छाननी में डालकर, तो बीन्स रेडी हो जाएगा, अंकुरित रेडी हो जाएंगे। देखिए ऐसे अंकुरित हो गए हैं, ये एक दिन का अंकुरित है इसीलिए थोड़ा कम हुआ है। आप यदि चाहो तो और ज़्यादा भी अंकुरित कर सकते हो एक दिन और रख करके। तो आप छलनी में डाल करके पानी को सारा निकाल दीजिएगा और ऊपर से एक छन्नी ढक दीजिएगा, प्लेट ढक दीजिएगा, तभी अपने आप अंकुरित हो जाता है। बहुत ईजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, क्योंकि गर्मी आ गई है। गर्मियों में हम कुछ खाना पसंद करें नहीं करें, पर आप सलाद तो खा ही सकते हो। इससे वेट भी लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है, वेट भी नहीं गेन करता है और हमें शरीर में एनर्जी भी मिलती है। तो मैंने महीन कटा हुआ टमाटर डाल दिया और खीरा डाल दिया है, और ये प्याज डालूंगी और मैं ये हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें से, प्याज यदि आप नहीं खाते हो वो भी ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं। देखिए ये मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है और मैं काला नमक डालूंगी इसमें, स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा हमारे टेस्ट को बहुत ही अच्छा इन्हेंस करता है, बैलेंस करता है। और देखिए ये मैं थोड़ा सा जीरा डालने के बाद, आप चाहे तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब इसे थोड़ा सा मैं सादा नमक भी डालूंगी ताकि टेस्ट हमारा बैलेंस हो सके। और ये मैं डालूंगी नींबू का रस, मैंने 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। इसमें खटाई नींबू का जूस बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस हम ऐसे मिला देंगे, हमारा स्प्राउटेड बीन्स की रेसिपी रेडी है, सलाद की रेसिपी। तो रेसिपी यदि पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। अब प्लेटिंग की बारी है, देखिए ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और इसके कमेंट मेरे को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगी ये रेसिपी। तो मैं आज चलती हूँ, फिर आऊँगी नई और इजी रेसिपी के लिए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।